वो व्हाट्सएप एडिटर्स कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम कुछ लावा कॉन्सेप्ट एडिटिंग करने वाले हैं अपने स्केच बुक के अंदर। तो इस बार इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप जैसे आप फोटोशॉप में जो हाइलाइट्स क्रिएट करते हैं, जैसे कोई पीछे बैकग्राउंड में लाइट है, तो वो आप कैसे स्केच बुक में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं जिस तरह से मेरे हाइलाइट्स, तो इस तरह के हाइलाइट्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं स्केच बुक, काफ़ी ईजी है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर चलो मैं वीडियो शुरू करते हैं अपना। ओके, तो यहाँ मैं आ चुका अपने स्केच बुक में। ओके, तो यहाँ बैकग्राउंड तो मैंने पहले ही ले लिया, डालते हैं अपना जो मॉडल है उसका PNG डाल देते हैं। ओके, तो चलिए देखिए फटाफट मैं अपने मॉडल का PNG ले लेता हूँ। ओके, तो कहाँ गया भाई, यहीं कहीं तो होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने अपने मॉडल का PNG ले लिया है। अब इसे क्या करना है, आपको थोड़ा सा मतलब प्लेस कर देना अपने हिसाब से। ओके, जहाँ आपको ठीक लगे मतलब वहाँ प्लेस कर दी। और देखिए कि कुछ एरियाज दिख रहे हैं आपको जो मतलब इरेज करने हैं मेरे को, जैसे चलिए मैं फटाफट इरेजर से इरेज करता हूँ और आगे का वीडियो शुरू करते हैं फिर यहाँ से। तो मैं यहाँ स्किप कर देता हूँ पार्ट थोड़ा सा। ओके, ये देखिए हम आ चुके अपनी इमेज में। देखिए काफ़ी सही इरेज हो गया है, वैसे आप कर सकते हो उसमें कोई नहीं। अब देखिए आप कहना है, देखिए हार्ड एयर ब्रश है उसको लेना है और साइज उसकी कम रहती नहीं, ऑपोजिट है फुल रख सकते हो। मैं यहाँ हम शेडो क्रिएट करेंगे कि एम्प्टी लेयर में। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए शेडोज आपको क्रिएट कर लेंगे। अब इसका क्या करना है, आपको ऑपोजिट कम कर देना। ओके, साइज बढ़ा देना, ऑपोजिट कम करना और देखिए कुछ ऐसा शेड कर देना आपका। तो देखिए काफ़ी सही शेडोज बन गए हमारे फोटो में। ओके, अब एम्प्टी लेयर बना के इसको अपने मॉडल के ऊपर ले लेना है और यहाँ से आपको पिकर टूल से देखिए जो जो कलर का हाइलाइट्स है आपको वो कलर ले लेना है। ओके, और यहाँ पर आपको सॉफ्ट एयर ब्रश लेना है। ओके, और उसका फिर ओपेसिटी मीडियम और साइज़ भी अप्रॉक्स मीडियम ही आपको रखना है, फिर ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। फिर आपको सिंपली यहाँ पर देखिए ब्रश चला देना। ओके, तो देखिए सॉफ्ट एयर ब्रश का ये कि देखिए काफ़ी सही से एकदम हाइलाइट्स क्रिएट हो जाते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आती, सही कुछ लाइन्स दिखेंगे ऐसा कुछ नहीं रहता, तो काफ़ी सही से हाइलाइट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये देखिए अब बाकी जगह भी हम फटाफट कर देते हैं पिकर टूल से। तो देखिए हाँ, जहाँ हाइलाइट्स दिख रहे हैं आपको, देखिए जो जो कलर के चाहिए वो कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके हिसाब से जो जो उस पार्ट में वो लाइट पड़ सकता है उस पार्ट पे आपको हाइलाइट्स बना देना है अपने को। देखिए ये जूते पे पड़ सकता है मेरे, तो देखिए हाँ मैं जूते पे कर दे रहा हूँ और हल्का सा ऊपर। ओके, उसके बाद देखिए अब क्या करते हैं कि ये इस साइड देखिए अब यहाँ पर हल्का रेडिश देखिए हल्का रेडिश कलर से हम कर देंगे। तो देखिए काफ़ी सही हाइलाइट्स होता है एकदम, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें हाइलाइट करने में, तो काफ़ी सही कलर आपको एकदम फोटोशॉप इफेक्ट मिलता है। ओके, देखिए अब जब अब आती है फेस की तरफ जाने, देखिए फेस पर जो सन का लाइट जो पड़ रहा है या शर्ट पे अपने, तो वो हम कर लेते हैं। देखिए तो आप देख सकते हैं देखिए काफ़ी सही से हो रहा है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर हल्का फेस और बाल कर देते हैं। तो ये देखिए अब देखिए यहाँ और थोड़ा सा कर देते हैं नीचे, और अब ये चलिए काफ़ी सही लग रहा है। ओके, देख मैं हल्का सा बाहर गया हूँ ताकि एकदम अच्छा इफेक्ट है कि मतलब सही में बाहर से ऐसा मतलब लाइट्स पड़ रहे हैं ऐसा। तो ये अब क्या करते हैं, देखिए जो ये ब्लू लाइट है अब इसको कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो यहाँ देखिए अब इस साइड हम ब्लू का कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको हम कर ले रहे हैं थोड़ा सा। ओके, इसको थोड़ा फेस पास भी कर लेते हैं हल्का सा, तो इसको देखिए काफ़ी सही लग रहा है हमारे में हाइलाइट्स, तो काफ़ी सही लगे। उसके बाद आप थोड़े बहुत एडजस्टमेंट जो करना आप कर सकते हैं, अगर और कहीं आपको हाइलाइट्स ये तो आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी। ओके, तो ये देखिए तो भाई अगर आपको वीडियो यहाँ तक देखना है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना भाई, अगर थोड़ा सपोर्ट दिखाई हो ताकि मैं जल्दी ग्रो कर सकूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए ऐसा हो गया हमारा इमेज फाइनल। अब हम क्या करना है, सिंपली इसे अपने लाइटरूम में इंपोर्ट कर लेना ताकि हम इसमें थोड़ी सी कलर एडजस्टमेंट कर सकें। ओके, तो यहाँ देखिए हम आ चुके अपने लाइटरूम के अंदर, सबसे पहले तो फोटोशॉप कर लेते हैं और यहाँ पर चलते हैं। देखिए अब क्या है, इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट हाइलाइट जैसे आपको बढ़ा देनी है फोटो की, तो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देना ताकि थोड़ा कलर अच्छा पॉप हो जाए, और यहाँ शैडोज हम बढ़ा देंगे थोड़ी सी अराउंड 30-30 के आसपास, और वाइट सर्किस बढ़ेंगे ब्लैक्स थोड़ा माइनस रहेगा 10 अराउंड। तो ये हो कलर्स में चलते, कलर्स में आएगा तो आपको करना है कि देख जो अपना रेड कलर है जो लावा कलर है उसको थोड़ा ब्राइट करना, और फेस को हल्का सा ब्राइट, ज़्यादा नहीं हल्का सा ब्राइट करेंगे,
और बाकी जो बैकग्राउंड जो कलर्स हैं जैसे लाइट सनलाइट है और ये जो मतलब क्लाउड्स हैं जो लाइट सन ब्लू लाइट है उसको हम हल्का सा ब्राइट कर देंगे, काफ़ी अच्छा एक इफेक्ट लाइट इफेक्ट मिल जाए हमारे फोटो में। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको कर लेना। अरे तो ये देखिए यहाँ पर हल्का सा वाइब्रेंट बढ़ा देते हैं हम लोग ताकि कलर अच्छे से एकदम पॉप हो जाए थोड़े से। ये देखिए काफ़ी तगड़ा लग रहा है। ओके क्लैरिटी हम हल्का लगाएंगे और टेक्स्चर थोड़ा कम करना चाह रहे हैं, जरा सा कम करना है आपको अराउंड 7-8। ओके तो यहाँ देखिए काफ़ी सही लगा। क्वालिटी हल्का सा दे देते हैं हम थोड़ा डीप इफेक्ट के लिए और शार्पिंग भी हम बढ़ा देंगे और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन भी बढ़ा देंगे ताकि जो भी अपना नॉइस है वो सब रिड्यूस हो जाए। अगर आपको थोड़ा रियलिस्टिक फील चाहिए तो आप इसमें ग्रीन्स डाल सकते हैं तो, लेकिन मेरे को ऐसे काफ़ी सही लग रहा है हमारा इमेज, काफ़ी अच्छा इफेक्ट लग रहा है, काफ़ी सही लग रहा है। तो ये देखिए हमारी इमेज हो चुका है यहाँ पर कम्प्लीट। तो आई होप आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके और इसी के साथ अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई सपोर्ट दिखाते रहना।